तो गाइस आज मेरा एक ऑटोमेटिक स्टोरेज सिस्टम बिल्ड करने का प्लान है, वो भी एक गेमिंग पीसी के अंदर। और इस गेमिंग पीसी को बनाने में गाइस मुझे बहुत ज्यादा मेहनत करने लगा और ये गेमिंग पीसी बहुत ज्यादा अच्छा दिखने वाला है, क्योंकि इसके अंदर मैंने अपने डायमंड्स को भी यूज किया। तो चलो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं हमें क्या क्या चीजें लगने वाली है गेमिंग पीसी को बनाने के लिए। गाइस हमारे चैनल पे एक नया मेंबर बना है जो की है नॉट निंजा, तो इसके लिए एक स्पेशल चीज मैंने तैयार करके रखी, मैं आपको दिखाता हूँ। तो गाइस यहाँ पे देख सकते हो काफी सारी मछलियां हैं जिनको मैंने ट्रेडर से ट्रेड करके ऑलरेडी यहाँ पे डाल के रखी है। टोटल 4 मछली है, इनमें से हम लोग फर्स्ट वाले पे नॉट निंजा का नाम रख देंगे। And here we go. तो जो भी मेरे मेंबरशिप को बाय करेगा, लिटरली जो भी, सबका नाम आने वाला है। और एक मजे की बात बताऊं, आपका नाम मेरे वर्ल्ड में हमेशा रहने वाला है, क्योंकि ये सारी मछलियां मेरे वर्ल्ड में जब तक मेरा वर्ल्ड है तब तक अलाइव रहने वाली है। और अगर ज्यादा लोग मेंबरशिप बाय करेंगे तो टेंशन मतलब उनका भी नाम आएगा, क्योंकि मैं पूरा का पूरा एक एक्वेरियम बना दूंगा। मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बता दिया कि मैंने ट्रेडर से बाय किया, तो मैंने इन्हें पकड़ा बिल्कुल नहीं था। तो चलो अभी चलते हैं हम लोग अपने रिसोर्सेस कलेक्ट करने। इसको बनाने में बहुत ज्यादा रिसोर्सेस लगने वाले, क्योंकि इसे भी मेरे फ्रेंड डीजे ने डिजाइन किया है। और एक बार गाइस आप लोग नोट कर लो कि जो भी मेरे वर्ल्ड में बहुत अच्छे बिल्ड होंगे वो डीजे ने ही डिजाइन किए होंगे ऑलमोस्ट, क्योंकि वो बहुत अच्छा बिल्डर है लिटरली। अपने सैंड फार्म पे आ चुका हूँ, और जिन्होंने भी ये एपिसोड नहीं देखा तो जाके चेकआउट कर सकते हो इस वीडियो के बाद। यहाँ पे मैंने सैंड फार्म बना रखा है, और टेक्निकली मैं वो हर एक चीज फार्म कर सकता हूँ जिसके पास सैंड की प्रॉपर्टीज है, लाइक मैं कॉन्क्रीट पाउडर और ग्रेवल ये सब मैं फार्म कर सकता हूँ यहाँ पे। तो अभी के लिए तो मैं ग्रेवल फार्म करने वाला हूँ, क्योंकि मुझे बहुत डिफरेंट टाइप के कॉन्क्रीट्स बनाने पड़ेंगे। मैं चलते हैं और यहाँ से सैंड लाएंगे, फिर उसके बाद ग्रेवल फार्मिंग हम लोग शुरू करेंगे। ओके, तो मुझे जितने सैंड की जरूरत थी वो मुझे मिल चुका है। अभी चलते हैं बेस पे और लेके आते हैं ग्रेवल को अपने। एंड यहाँ देखो मेरे पास ग्रेवल भी आ चुका है, इसे प्लेस करते हैं एंड फार्म करना शुरू करते हैं। और फार्म करने से मेरा मतलब था AFK रहना है, और जितने भी ग्रेवल चाहिए मुझे सारे मिल जाएंगे। तो गाइस आप लोगों के लिए मैं एक सर्वर लेके आया हूँ, जो कि आप लोग बोलते हो कि सर्वाइवल खेलने के लिए बोल्ट एक सर्वर बता दे। तो गाइस आसुबो का एक सर्वर है जहाँ पे जाके आप लिटरली कुछ भी कर सकते हो, सर्वाइवल की कुछ भी चीजें कर सकते हो। और आपको एक एडवांटेज है कि आपका स्टफ वहाँ पे कोई चोरी नहीं कर सकता, क्योंकि आप वहाँ पे अपना लैंड क्लेम करके आपका जगह बना सकते हो और कोई भी वहाँ पे चोरी नहीं कर सकता बिल्कुल भी। और आप माइनक्राफ्ट के किसी भी वर्जन से आ सकते हो, पॉकेट एडिशन, जावा, जो भी आप खेलते हो आप उससे आ सकते हो आसुबो के सर्वर में। और गाइस जल्दी इनका एक खुद का ऐप भी लॉन्च होने वाला है, और गाइस इनका डिस्कॉर्ड सर्वर ज्वाइन करके आप चीप प्राइसेस में डायमंड्स वगैरह खरीद सकते हो एज लो एज 5 रुपीज। साथ ही साथ गाइस इन्होंने रिसेंटली पार्कोर इवेंट भी करा रखा है, जिसके अंदर 20,000 विनिंग प्राइस भी दे रखा है इन्होंने विनर्स को। तो इनका डिस्कॉर्ड सर्वर भी जाके ज्वाइन कर लो, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। तो चलो वीडियो में आगे बढ़ते हैं। ओके, तो मुझे ग्रेवल और सैंड काफी कम चाहिए थे, क्योंकि मैं कॉन्क्रीट बना के उनको फिर से डुप्लीकेट ही करने वाला, तो इतने ज्यादा कलेक्ट करके मतलब नहीं है। लेकिन गाइस अभी हम लोग को एक विदर मार, क्योंकि आपको पता ही है मेरे इस वर्ल्ड में सिर्फ एक बीकन है मेरे पास, और वो भी मैंने लगा रखा है अभी के लिए तो रेड फार्म पे, जहाँ पे रीजनरेशन का मैं इफेक्ट लेता हूँ, AFK वगैरह करता रहता हूँ मैं वहाँ पे। तो मेरे पास ऑलरेडी 2 विदर्स कल पड़े थे और एक मैं अभी लेके आ चुका हूँ। तो चलो फिर से एक बार विदर को मारते और देखते कैसी फाइट होने वाली है। ओह माय गॉड, पिछली बार से थोड़ी सी टफ हो रही है फाइट। ओके, कोई दिक्कत नहीं है, मैं मरने वाला तो नहीं हूं, क्योंकि मेरे पास टोटम्स बहुत ज्यादा पड़े हैं। ओके, तो अब की बार थोड़ी सी टक्कर की फाइट थी, लगता है विदर कुछ नया सीख के आया है। वो सब छोड़ते हैं और चलते हैं हम लोग अपने बीकन को बनाने के लिए। एंड लगे आ तो मेरे पास जो इतने लैपिस भी पड़े ही है, तो उनको भी माइन करके देख लेते कितने मिलेंगे। एक्चुअली लैपिस काफी अच्छे अमाउंट में मिलते हैं, और मेरे पास अच्छे खासे लैपिस पड़े भी है, तो बिल्ड्स वगैरह में यूज करने के लिए या फिर एनचेंटिंग तो मैं कुछ करने वाला नहीं हूं आई गेस। एंड एक्चुअली आप देख सकते हो इतने सारे डायमंड ओर भी पड़े हैं मेरे पास, एक दिन हम लोग इन सबको भी माइन करेंगे। हियर वी गो, बीकन की थोड़ी सी जगह शिफ्ट की और बीकन भी लग चुका है यहाँ पे। तो अब बारी है एरिया क्लियर करने की, लेकिन टेंशन मत लो, अब की बार एरिया क्लियर करने का टाइमलेस बिल्कुल नहीं दिखाने वाला हूँ मैं। तो ये देखो 1 2 3, वेट आधा काम हुआ है लगता है, अच्छे से काम नहीं किया, एक और बार करना पड़ेगा। 1 2 3, एंड यस अब की बार सारा का सारा एरिया क्लियर हो चुका है। एंड ये जगह पे मेरा बनने वाला है PC, और उसका मैं आपको फर्स्ट लुक दिखाने वाला हूँ वीडियो के अंदर। लाइक आपने थंबनेल में तो ऑब्वियसली देखा है, लेकिन वीडियो के लिए ये फर्स्ट होलोग्राम वाला लुक देखो। ओ माय गॉड, मैं लिटरली बोल रहा हूँ मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा है, और ये बहुत ह्यूज है। आपको लग रहा होगा बहुत छोटा सा PC है, लेकिन बहुत ज़्यादा बड़ा है एक्चुअली में। बस इमेजिन करो इसमें कितने सारे कॉन्क्रीट एंड ऑल लगने वाले। ओ माय गॉड DJ, तूने कितना हार्ड बनाया मेरे लिए।
और एक फन फैक्ट जो देख लो आप, ये ग्लासेस लगे, ये इसने टिंटेड ग्लास यूज किया था। लाइक सीरियसली इतने सारे टिंटेड ग्लास लगाने के लिए मेरा दिमाग खराब हो जाता। उसको हम लोग इन फ्यूचर रिप्लेस कर सकते हैं, लेकिन अभी के लिए मेरे पास कोई फार्म वगैरह नहीं है, तो मैं ब्लैक स्टेन ग्लास यूज करने वाला हूँ। ओके देन, मुझे अभी सबसे ज्यादा लाइम कॉन्क्रीट पाउडर चाहिए और उसे कॉन्क्रीट में भी कन्वर्ट करना है मुझे, क्योंकि सबसे ज्यादा वही यूज हुआ है मेरे पूरे के पूरे पीसी में। और इसे करने के लिए फिर से हम लोग सैंड फार्म पे चलेंगे और वहाँ पे हम लोग ये 16 कॉन्क्रीट पाउडर से बहुत सारा कॉन्क्रीट पाउडर बनाने वाले। डैम यार, ये फार्म में जब भी आओ तब कुछ ना कुछ टूटा रहता है, पता नहीं कैसे ही अपने फार्म अपने आप को तोड़ लेता है। ओके, फार्म फिक्स हो चुका है और फिर से चलते हैं थोड़ा सा एफके करते हैं। एंड लाइम कॉन्क्रीट पाउडर का काम भी हो चुका है और अब चलते हैं हम लोग ब्लैक डाई को कलेक्ट करने। और एक सबसे ज्यादा इजी मेथड आया नया नया, जो कि 1.19 में काफी अच्छे से वर्क करता है, तो मुझे बस एक ओशन मॉन्यूमेंट तक जाना है। ओके, तो एक ओशन मॉन्यूमेंट मिल चुका है, परफेक्ट। लेकिन उससे पहले हमें यहाँ पे 3 बॉसेस को मारना होगा, तो मैं कोई काम कर ही नहीं पाऊंगा। ओके, पहला बॉस मर गया, सेकंड भी मर गया, थर्ड भी मर गया। थोड़ा सा मुश्किल था इसको ढूंढना, पर चलो मर तो गया। वेट, मुझे एक ट्रेजर मैप भी मिला है, इसको भी ओपन करके देख ही लेते हैं। ओके तो गाइस, अभी आप एक प्रोफेशनल को देख रहे हो, मुझे एकदम अच्छे से मैप खोलने आता है, बिल्कुल एग्जैक्ट यहीं पे खड़े रहना है और इसके नीचे या तो 4 ब्लॉक के आसपास ही चेस्ट होना चाहिए। ये देखो, ओ माय गॉड, बहुत अच्छी चीज मिल चुकी है, क्योंकि मेरे पास हार्ट ऑफ द सी शायद से ही था और कॉन्डुइट वगैरह बनाने में काम आ सकता है लिटरली। एंड इसको बनाना बहुत इजी है, इसके टॉप से आपको 5x7 का ग्लास प्लेटफॉर्म बनाना है, उसके ऊपर कुछ आपको ऐसे हॉपर्स और माइनकार्ट हॉपर और एक नोट ब्लॉक लगा देना है और बस आपका काम खत्म हो गया है। नोट ब्लॉक को पावर करो और एलिस को भी लाना, लेकिन बाकी है क्योंकि मैंने एक एपिसोड में बहुत सारे एलिस को एक जगह पे रखा था, मैं वहां पे नहीं जाने वाला हूं एक्चुअली, क्योंकि वो जगह काफी ज्यादा दूर है और उससे पास में मेरे पास मेंशन है जिससे मैं और सारे एलिस ले सकता हूं, तो वहां पे चलते हैं। अभी एक मैं अपने क्लोजेस्ट मेंशन में भी आ चुका हूं और यहां पे मुझे देखना है वो जेल जहाँ पे एलिस होते हैं, तो फटाफट से मैं ढूंढ लेता हूँ। मेरे ख्याल से मैंने सारा ही देख लिया है और इसके अंदर एक भी जेल नहीं है, तो मुझे दूसरे वाले पे जाना पड़ेगा। वेट, ये बियर्ड ऑब्सिडियन क्या है यहाँ पे? वेट व्हाट, इसके यहाँ पे डायमंड होता है? मैंने लिटरली अपने माइनक्राफ्ट के जर्नी में इसको कभी नहीं देखा है कि यहाँ पे डायमंड होता है। लाइक मैंने सुना था कि डायमंड मिलता है, लेकिन आज तक मुझे मिला नहीं था कि मेंशन के अंदर डायमंड कैसे और कहाँ मिलता है, लाइक पहली बार हो रहा है। एंड ये मेरा सेकंड मेंशन में मुझे मिल चुके एलेज और यहाँ पे वैसे दो दो रूम है जहाँ पे जेल्स बने पड़े और यहाँ पे पहले जैसे बहुत ज्यादा एलेज हो चुके, मुझे नहीं लगता सारे आ पाएंगे। ओके, तो अब इन सब को मुझे रूफ टॉप से चला के लेके जाना पड़ेगा मेरे बेस तक, मजा आने वाला है। एंड ये 3 एलिस को लेके चलता हूँ अपने स्क्विड फार्म पे, क्योंकि ये एलिस ही सारा काम करने वाले हैं। ओके, तो ये 3 एलिस मेरे यहाँ पे चैम्बर में आ चुके हैं, तो इनको नीचे लेके चलते हैं। और ऑलरेडी यहाँ पे देख सकते हो कितने सारे इंक सैक है, बहुत ज्यादा कलेक्ट होते सही में। ओके, ये जो आखिरी बचा है इसको भी लेके चलते हैं। एंड इन सबको बस मुझे हाथ में इंक सैक देना और ये अपने आप काम करने लग जाते हैं, मुझे बस ऊपर AFK करना है और काम खत्म हो जाएगा। और देख सकते हो इतने में ही ये गार्डियंस कितना ज्यादा डैमेज देते हैं, और मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पे जब भी मैं नीचे आता हूँ मेरा 2-3 टोटम पॉप हो जाता है। ओके, वो सब चलो चलो AFK चलते हैं। ओके, तो आई गेस 10-15 मिनट्स हो चुके हैं, एक बार से जाके देखते हैं प्रोडक्शन कितना। एंड वो एक्चुअली में बहुत ज्यादा अच्छा प्रोडक्शन है, 2 रोज भर चुके और 3rd चालू है, और मुझे लगता है मेरा इंक सैक का काम भी हो चुका है, तो चलो हम लोग चलते हैं अपना नेक्स्ट आइटम कलेक्ट करने। तो अभी मेरे पास काफी सारे इंक सैक आ चुके हैं, इनको अभी ब्लैक डाई में कन्वर्ट करते और मुझे जितनी भी रिक्वायरमेंट है उनको ब्लैक स्टेन ग्लास करते। और एक्चुअली में थोड़े से मुझे ग्लास भी स्मेल्ट करने पड़ेंगे, जो कि मैं सुपर स्मेल्टर में स्मेल्ट करने वाला हूँ अपने, बहुत ज्यादा हेल्पफुल है यार सुपर स्मेल्टर, ये बहुत ज्यादा अच्छा काम करता है एक्चुअली में। एंड ये भी गो, सारे के सारे ग्लास को मैंने स्टेन कर दिया है और ये मेरे सारे ब्लैक स्टेन ग्लास रेडी है। ओके, तो इसमें मैंने बहुत ज्यादा कॉन्क्रीट भी यूज किया है, तो मेरे पास जितने भी कॉन्क्रीट अवेलेबल है सिर्फ पाउडर फॉर्म में। और एक्चुअली में गाइस, मैंने ब्लैक कॉन्क्रीट और ग्रीन कॉन्क्रीट के लिए भी थोड़ा सा AFK कर लिया था, वो मैंने दिखाया नहीं, लेकिन अभी मुझे बनाना एक कॉन्क्रीट मेकर और वहां पे बैठ के मुझे बहुत ज्यादा कॉन्क्रीट बनाना है, तो चलो एक कॉन्क्रीट मेकर बना लेते हैं। ओके, तो कॉन्क्रीट मेकर बन चुका है, एक बार इसे टेस्ट करते कि कैसा वर्क कर रहा है। एंड ये भी गो, मुझे जितने कॉन्क्रीट चाहिए थे वो सारे बन के रेडी हो चुके और मैंने पीछे एक एले भी सेटअप कर दिया था, क्योंकि कुछ कॉन्क्रीट बाहर आ रहे थे आई डोंट नो हाउ, तो एले ने थोड़ी हेल्प की वो बाहर के कॉन्क्रीट को जमा करने के लिए, अदरवाइज वो सारे डिस्पॉन हो जाते, तो वो सब तो ठीक है। अभी हम लोग चलते हैं हमारे बिल्ड की तरफ और इसे बनाना शुरू करते लाइट मैटिका की मदद से, उसका स्कीमेटिक तो मेरे पास सही है, चलो फटाफट से बनाते हैं। मैं ये डीप स्लेट में भी कंजूसी करने वाला हूँ, बीच का एरिया में हॉलो छोड़ने वाला हूँ एक्चुअली में, और मुझे लग रहा है मैंने थोड़ा सा अंडर एस्टिमेट कर दिया था, क्योंकि ये बड़ा बिल्ड लग रहा है एक्चुअली में, बनाते वक्त मुझे फेल हो रहा है कि ये कितना ज्यादा लगने वाला है। भाई मैं ये बनाने लग गया, लेकिन मैं 2 चीजें कलेक्ट करना ही भूल गया, एक मॉस ब्लॉक और एक मड। ओ माय गॉड, मॉस ब्लॉक के लिए तो मुझे ज्यादा कुछ नहीं करना पड़ेगा, मेरे पास ऑलरेडी मॉस फार्म एग्जिस्ट करता है, तो बस उसके हॉपर्स को मुझे चेस्ट में डाल देना, बाकी काम तो हो जाएगा। एंड एक मड फार्म भी क्रिएट कर देते, क्योंकि मुझे मड भी बहुत ज्यादा लगने वाला है इस बिल्ड में। ओके, तो मड फार्म भी क्रिएट हो चुका है, थोड़ा सा टफ है ये और थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था ये, इसके साथ बॉटल्स का काम करना
बहुत ज्यादा हार्ड था एक्चुअली, लेकिन अब जो ये बन के रेडी हो चुका है मैं थोड़ा सा एफके करता हूँ और मड को फार्म कर लेता हूँ। इनफ मड फार्म हो चुका है और अभी चलते हम लोग अपने पीसी को क्रिएट करने एक शॉर्ट एंड सिंपल टाइमलेस में। माय गॉड, इस फार्म को बनाते बनाते जितनी बार स्टफ खत्म होता है आप बिलीव नहीं करोगे। जो आप टाइम लैप्स में देख रहे हो आपको बहुत इजी लग रहा है, लेकिन जो एक इन्वेंटरी खत्म हो रहा है हर एक लेयर के बाद, लिटरली हर एक लेयर के बाद एक ब्लॉक खत्म हो जा रहा है मेरा। और अभी रात के 2 बज रहे और मैं जाके सोने वाला हूँ, अदरवाइज मेरा दिमाग ब्लास्ट होने वाला है। मैं जाता हूँ, मिलता हूँ नेक्स्ट डे। तो नेक्स्ट डे फ्रेश शुरुआत करते और फिर से बनाना शुरू करते। स्टफ खत्म हो गया देखो इन्वेंटरी में, यही चीज को मैं हेट कर रहा हूँ। लाइक दो लेयर बनाओ स्टफ लेने, फिर से नीचे आओ, दो लेयर बनाओ फिर स्टफ लेने नीचे आओ। ओ माय गॉड, पीसी के रिसोर्स कलेक्ट करने में जितना टाइम नहीं गया था उतना ज्यादा टाइम तो भाई बस ऊपर नीचे से स्टफ लेके जाने में लग रहा है। भाई सब ये देखो, ये लाइट मेडिका का इजी प्लेस मॉड प्लस ये स्पीड पोशन काफी इजी करता है स्टफ को। ओके, ये लास्ट लेयर है, यहाँ पे मुझे फैंस बनाने हैं, इसके ऊपर एक लेयर बनाना है और एंड करना है लाइक लिटरली। और ये लास्ट लेयर के साथ मैं आपको दिखाने वाला हूँ एक फुल एंड फाइनल टाइम लैप्स। लेट्स गेट इनटू इट। This is finally completed. मुझे अभी बस थोड़े से सीलेंट टर्न और मेन काम, मुझे मेरा अपना लोगो बनाना है इस पीसी में। लाइक अभी भी पूरा पीसी कंप्लीट नहीं हुआ है, पर मैं ये कह सकता हूँ कि मेन काम तो एटलीस्ट खत्म हुआ। तो चलो फटाफट से आगे का काम करके खत्म करते हैं। ओके, तो मैंने एक्चुअली में सीलेंट टर्न वगैरह और छोटे मोटे जो टचेस देने थे वो मैंने कर चुका है वो वाला काम। तो बस अब मुझे यहाँ पे डायमंड्स लगाने और वहाँ के जो थोड़े बहुत ब्लॉक्स है वो लगाने, उसके बाद ये पीसी बनके रेडी हो जाएगा। फटाफट से मैं अपने डायमंड से लोगो बनाता हूँ जो मेरा ब्लू कलर का लोगो है। डायमंड्स लगाना चालू करते। ओके भाई, बहुत जल्दी डायमंड्स लग रहे भाई साहब। लाइट पैटिका में जो डायमंड्स भी लग रहे, ओ माय गॉड, ऐसा लग रहा है भाई कुछ भी नहीं लगा रहा हूँ। ओ भाई, बस आखिरी के कुछ डायमंड होते एंड देखते मेरा टोटल डायमंड कितना यूज होने वाला है। ओ भाई साहब, ऊपर के नहीं लग रहे। ओके नाइस, लग गया। ओ भाई साहब, पूरा डायमंड कम्प्लीट, बाहर से बहुत अच्छा दिखने वाला है एक्चुअली में मेरा लोगो। और देखते टोटल डायमंड कितने हुए मैं आपको दिखाता हूँ। टोटल देख सकते हो 37 डायमंड ब्लॉक्स है इसमें, मेरे लोगो में 37 डायमंड ब्लॉक्स लगे। बस इसके कुछ अभी ब्लॉक्स लगाने रहते हैं और उसके बाद डन हो जाएगा। एंड डीजे ने इसके अंदर ऑक्सीडाइज कॉपर ब्लॉक लगाए, लेकिन मैं नॉर्मल कॉपर ब्लॉक लगाने वाला हूँ, वो इवेंचुअली ऑक्सीडाइज तो हो ही जाएंगे। एंड हियर वी गो गाइस, देख सकते हो मेरा फाइनली पूरा बिल्ड खत्म हो चुका है। और ये देख सकते हो पूरा का पूरा बिल्ड कितना मस्त दिख रहा है दूर से। एक्चुअली मैं जब इसके पास दूर से उड़ के आता हूँ बहुत ज़्यादा अच्छा दिखता है। और बात रही स्टोरेज सिस्टम की, वो मैं नेक्स्ट एपिसोड में बीच में कभी बना दूंगा, या तो आपको दिखा दूंगा उसका टाइमलेस मैंने कैसे बनाया, लेकिन इस एपिसोड के लिए बहुत ज़्यादा हो चुका है। मैं भी थक चुका हूँ, लिटरली बहुत ज़्यादा थक चुका हूँ। और इसके बीच में भाई मेरा बहुत बुरा गला ख़राब हुआ था। और अगर आप सोच रहे हो मेरी वीडियो इतनी लेट क्यों आई है, तो उसके लिए एक यही रीज़न है। ओ वेट, गला वगैरह छोड़ो, ये मॉब्स अंदर क्या कर रहे हैं इतने सारे? वेट, और मेरे ख्याल से थोड़ा सा सीरियस काम है। वेट अ मिनट, इनको क्लियर करना पड़ेगा। ओके, तो सारे के सारे मॉब्स क्लियर हो चुके और ये पीसी का फुल एंड फाइनल टाइम लैप्स ये रहा। और इसको बनाने में मुझे बहुत ज्यादा टाइम लगा है, लिटरली बहुत ज्यादा टाइम। और इतने सारी मेहनत के बदले सिर्फ आपसे एक चीज मांगना चाहता हूँ, 5000 लाइक्स और 1000 कमेंट करके जरूर चले जाना, मुझे बहुत ज्यादा खुशी मिलेगी। और आप लोगों के लिए एक गुड न्यूज है, अगर आपने मेरी पिछले कोई भी वीडियोस नहीं देखी है तो आपके लिए मैंने एक शॉर्ट एंड सिंपल रिकैप वीडियो बना रखी है, जिसमें मैंने आपको मेरे माइनक्राफ्ट हार्डकोर वर्ल्ड की 1000 डेज की पूरी जर्नी दिखाई है। आप जाकर चेकआउट कर सकते हो सामने वाले वीडियो को क्लिक करके। तब तक के लिए मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन Take care and bye-bye.